सिर्फ आखिरी 3 साल के लिए वापस गए और लोगों ने उन्हें क्रॉस पर टांग दिया। ये सब कुछ विधि का लिखा हुआ। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए उनको ये बलिदान देना पड़ा और इस तरह से उन्होंने आज्ञा चक्र की व्यवस्था करी। आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण छोटा सा और आसानी से खुलने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य में जो स्वतंत्रता आ गई उससे वो अहंकारी बन गया। इस अहंकार ने उसका आज्ञा चक्र है बंद कर दिया और उस बंद आज्ञा चक्र से निकालने के लिए अहंकार निकालना जरूरी है। और अहंकार निकालने के लिए आपको अपने मन पे ही काबू लेना पड़ता, लेकिन आप मन से अहंकार नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप मन से अहंकार निकालने का प्रयत्न करेंगे वैसे ही मन बढ़ता जाएगा और अहंकार बढ़ता जाएगा। अहम करोति सा अहंकार, हम करें, इसका मतलब अगर हम अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करें तो अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि हम अहंकार से ही वही कोशिश करते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अहंकार को दबा लेंगे, खाना कम खाएंगे, दुनिया भर के उपद्रव, आप एक पैर पे खड़े हैं तो कोई सर के बल खड़ा है, हर तरह के प्रयोग लोग करते हैं अपने अहंकार को नष्ट करने, लेकिन इससे अहंकार नष्ट नहीं होता, इससे बढ़ता है। उपवास करना, जप तप करना आदि सब चीजों से अहंकार बढ़ता है, हवन से भी अहंकार बढ़े, क्योंकि अग्नि जो है वो राइट साइडेड है। जो कुछ भी हम कर्मकांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उससे अहंकार बढ़ता है। और मनुष्य सोचता है कि हम सब ठीक हैं, हजारों वर्ष से वही कर्मकांड करते रहे और उल्टा सीधा सब मामला जो भी सिखाया गया वही वो कर रहा है। इसीलिए सहयोग कर्मकांड के विरोध में, कोई भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। और वो अतिशयता पे पहुंचना तो और गलत। जैसे हमने कहा कि अपने अहंकार को निकालने के लिए आप उसको मराठी में जोड़े पट्टी कहते हैं, जूते मारे, तो रोज सवेरे सहयोगी जूते लेके चले लाइन में। अरे अगर आपके अंदर अहंकार हो तब हर एक आदमी हाथ में जूता लिए चला जा रहा है रास्ते से। ये सब कर्मकांड सहयोग में भी बहुत घुस गया, यहाँ तक कि फ्रांस से अभी एक साहब लेकर आए थे कि वहाँ वो वाशी के स्कूल, वाशी के हॉस्पिटल से कर्मकांड लेके। अरे बाबा ये तो बीमारों के लिए है, आपको अगर ये बीमारी हो तो आप ये कर्मकांड करो, जो कैंसर की बीमारी के कर्मकांड है वो भी उसमें लिखे। मैंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है कि कर्मकांड करे, क्यों,
कि वो सोचता है मैं कर सकता हूं, मेरे कर्मकांड से कार्य होगा। और इस कर्मकांड में सिर्फ आप ही लोग नहीं, परदेश में भी बहुत से लोग कर्मकांड करते रहते, तरह तरह का। जैसे साल भर में एक बार चर्च को जाएंगे, माने आज के दिन, उसके बाद भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। दुनिया भर के गंदे काम करके और कैथोलिक धर्म में जा करके वो कन्फेशन करते, ये सब मूर्खता अगर आप देख सकें तब आप सहयोगी हो गए। अगर आप समझ सकें कि ये सब गलत काम जो हमने किया है ये गलत है और अब से आगे ये काम नहीं करने का, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात आपके दिमाग में आ जाएगा। अब कर्मकांडी लोगों में और भी विशेषताएं होती, एक तो वो एक नंबर के कंजूस होते, अगर उनसे आप 10 रुपए की बात करो तो वो आकाश में कूदने लग जाते। उसको मराठी में कवड़ी चुंबक कहते हैं। एक बात है, मराठी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उससे आपका अहंकार ऐसे ही उतर जाए। जैसे कि कोई बड़ी अपनी बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, मैंने ये किया मैंने वो कहा, तो उसको धीमे से कहने का कि तुम तो चने के पेड़ पर चढ़ रहे हो, चने का पेड़ तो होता नहीं, हरभराच्या झाडावर चढ़ता तुम्हें, तो वो ठंडा हो जा। मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं, जब तक ये मैं नहीं छूटता तक तक हमारा ईसा मसीह को मानना गलत है। पर आश्चर्य की बात है कि जिसको क्रिश्चियन नेशंस कहते हैं, जहाँ ईसाई धर्म है, उनसे ज़्यादा अहंकारी मैंने तो कोई देखे, विशेषकर अंग्रेज अमेरिकन सब लोगों में इस कदर अहंकार है कि समझ में नहीं आता कि ईसा मसीह के ये शिष्य। अब इस अहंकार का इलाज क्या, वो सोचना चाहिए। इसका इलाज ईसा मसीह थे और उन्होंने सिखाया है कि आप सबसे प्रेम करें, अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। इसका इलाज उन्होंने प्यार बताया, और प्यार के सिवाय कोई इलाज नहीं। लेकिन ये प्यार परम चैतन्य का प्यार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप अपने को खोजो, दरवाजे खटखटाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जाकर के दरवाजे खटखटाओ, इसका मतलब यह है कि अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसे खोलो। जिस आदमी का दिल छोटा होता है, जो कंजूस, वो आदमी कभी भी सहयोगी नहीं बन सकता। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि आपको अगर गुस्सा आता है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ही अहंकार, एकदम मैंने देखे हैं गुस्से वालों के स्फोटक होते हैं, और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं, और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीच्छ जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता हूं, अपने ही मन से कुछ शुरू कर देंगे और मुझे बताएंगे भी नहीं,
और ऐसा करने से आज हजारों प्रश्न खड़े हो गए। आज बताने की बात है कि दिल्ली में इन्होंने मुझसे एक बार एक पूजा के दिन हड़बड़ी में आकर बताया कि हमें ज़मीन मिल रही है, बस उससे कितना पैसा लिया, वो कैसा होने वाला है, ज़मीन कैसी, कुछ और किसी भी सहयोगी ने नहीं बताया। क्योंकि कल कोई कहे कि ये माताजी ने कहा है तो उस आदमी को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, मुझे कुछ कहना है तो मैं स्वयं कहूंगी। उसके बाद इतनी मीटिंग्स हो गई, ये मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब जिन्होंने उनको पैसा दिया वो सर पकड़ करके बैठे कि बिल्कुल ये ठगाया गया, ये पैसा कैसे मिलेगा, मुझसे बगैर पूछे सारे काम हो, बिल्कुल बगैर पूछे। और वो इतनी खराब जमीन है कि उसके बारे में अब नोटिस आई है कि आप कुछ नहीं बना सकते, उल्टे आपको हम पकड़ेंगे। हर एक सहयोगी का अधिकार है कि मुझे आकर बता और मुझसे पूछे। उन्होंने कोई सोसाइटी अपनी बना ली, हो गए पागल, जो जमीन मिल रही ना, इतनी खराब जमीन है कि वहां बताते हैं कि मुर्गी भी नहीं पाल सकते। तो सहयोगी हो क्या, मुर्गियों से भी गए बीते। अब जो भी हुई सो मूर्खता है और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन आप लोग अपने पैसे वापस मांग लीजिए, मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ईसा मसीह ने तो यहां तक कहा था कि जो लोग घर बांधते हैं, घर में रहते हैं, उनको पक्षियों को और देखना चाहिए। वो अपना घरौंदा कितने प्यार से छोटा सा अपने लिए बनाते हैं, और जब वो अपना घर बनाते हैं तो उस घर बनाने में उनको बड़ा मज़ा आता है। हर तरह से उन्होंने ये समझाया कि आप ममत्व को छोड़ दीजिए, ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरे बच्चे, यहाँ तक कि ये मेरा देश, ये जो ममत्व है ये छूटना चाहिए, तभी आप जो है महान हो सकते। सारे विश्व में आप भाई बहन हैं, इसका मतलब नहीं कि आप अपने देशभक्ति को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप में देशभक्ति होनी ही चाहिए। लेकिन यही देशभक्त विश्व भक्त हो जाता है। अगर देशभक्ति नहीं है, जब बूंदी नहीं तो सागर कैसे बनेगा। तो प्रथम आपके अंदर देशभक्ति है कि नहीं, इसको पहले देखिए। आप देश के विरोध में कर कार्य कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। ईसा मसीह को वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा भी था कि वहाँ सब ऐसे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ मल की इच्छा है, म्लेच्छ है। लेकिन शालिवान ने उनसे कहा, नहीं नहीं तुम जाओ और को निर्मल तत्व सिखाओ। वो सिखाने गए निर्मल तत्व, हम उनको ही खत्म कर दिया। तो पागलों का देश, उनसे कुछ सीखने का था नहीं पर सिखाने का था, इसलिए वो गए। और उसी लिए उनका अंत इस तरह से हुआ। बस समझदारी और क्षमा, क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलतफहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है, या
किसी भी प्रति, किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता। जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मत है नहीं कि आपने बच्चों को खराब करे। बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना है। अगर आप डिसिप्लिन में बच्चों को ला नहीं सकते तो आपके बच्चे कभी अच्छे सहयोगी नहीं हो सकते। और उसके लिए आप में खुद होना चाहिए डिसिप्लिन। आप में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते। ईसा मसीह का जीवन जो था उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर इस कदर डिसिप्लिन थी, इस कदर उन्होंने सहा और अपने जीवन से दिखा दिया। उनके विवाह की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने विवाह नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि वो विवाह के विरोध में थे। ऐसी गलत फहमी करके लोग बैठे हुए हैं कि विवाह के विरोध में, और इसीलिए इन्होंने ये बनाई हुई है। औरतें जिनको नंस कहते हैं उनकी शादी ईसा मसीह से करते हैं। वो साक्षात गणेश, उससे कैसे शादी कर सकते। उसके अलावा आदमियों को भी शादी नहीं करना, इस तरह के अनैसर्गिक बातें सिखा दी। उससे वो सबको अपने कब्जे में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर उससे ईसाई नहीं हो सकता। इस तरह के कृत्रिम बंधन अपने ऊपर डाल लेने से आज ईसाई धर्म डूब रहा है। ईसा को उन्होंने भुला दिया और अपने ही मन से एक धर्म बना लिया है और उसको ईसाई धर्म कहते हैं। आजकल का ईसाई धर्म ईसा के नाम पे कलंक सा लगता है, क्योंकि मेरा जन्म ही इस धर्म में हुआ और मैंने इनकी सारी अंदरूनी बातें देख ली। उसी प्रकार हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म में आप सांप्रदायिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अनेक गुरु असली गुरु जैसे दत्तात्रेय जी वगैरह और नाथपंथी, आपके अनेक अवतरण हैं और आपके स्वयंभू अनेक, आपकी एक किताब नहीं अनेक किताब। ईसाई लोगों में सिर्फ ईसा और बाइबल, तो वो फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं और यहूदी लोग भी हो सकते हैं, और तीनों का आपस में रिश्ता है, किताबों में लिखा। लेकिन हिंदू नहीं हो सकता सांप्रदायिक, क्योंकि किसी का कोई, किसी का कोई, कोई महालक्ष्मी को मानता है तो कोई रेणुका देवी को मानता है तो कोई कृष्ण को मानता है। तो हर आदमी, हर परिवार फैमिली अलग अलग इनकार्नेशन को मानते हैं, किताब को मानते हैं। कोई सी भी ऐसी किताब नहीं है जिसके कहना चाहिए कि ये होली बाइबल जैसे। इसलिए सब धर्मों को एक हिंदू को चाहिए कि मानकर, मैंने देखा है कि मान करने की शक्ति हिंदुओं में सबसे ज्यादा। एक मर्तबा एक हम होटल में थे, वहां बाइबल था, वो सब दूर बाइबल रख देते हैं चाहे कोई पढ़े ना पढ़े। सो वो बाइबल नीचे कर गया। सो हमारे साथ एक हिंदू थे, उन्होंने उस बाइबल को उठाया, सर पे रखा और फिर टेबल पर रख दिया।
कभी बाइबल को पैर से नहीं छुए, कभी नहीं। एक बार ईसाई धंधा कर लें, ये हिंदू नहीं करना। सबकी इज्जत करना ये हिंदू का धर्म है। पर उससे आजकल जो लोग निकले हैं अजीब अजीब अजीबो गरीब, जो कि आज के हमारे पॉलिटिशियन लोग निकले हैं, इस तरह के लोग पैदा हुए हैं, तो बरसात में जैसे मशरूम निकलती है ऐसे कुछ लोग निकल आए। पर ये लोग हिंदू नहीं है, इनको अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम है। उत्तर हिंदुस्तान के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम, और जो दक्षिण हिंदुस्तान के लोग हैं वो तो यही जानते हैं कि ब्राह्मण को यहाँ पैसा देना है, वहाँ पैसा देना है, वो करना है, वो करना, बस कर्मकांड के सिवाय इस महाराष्ट्र में और कुछ नहीं। इतने कर्मकांडी लोग हैं, महाराष्ट्र में बड़ी मेहनत करी हुई, सब व्यर्थ गई, क्योंकि बड़े कर्मकांडी हैं, वो छूट नहीं सकता उनसे। यहाँ एक सिद्धि विनायक का मंदिर है, उसके जो गणेश जी, उसको मैंने जागृत मैंने की। अब देखती क्या हूँ कि वहाँ एक एक मील की लंबी कतारें, एक एक मील की, मंगलवार को खड़ी हुई। गणेश जी भी सो गए होंगे। इस कदर कर्मकांडी लोग महाराष्ट्र में हैं कि उस कर्मकांड से उनका स्वभाव जरा तीखा हो गया। और नॉर्थ इंडिया में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कर्मकांडी हैं, और जो कर्मकांडी लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत, बहुत तेज गुस्सा। और जो कर्मकांड में नहीं है वो लोग बहुत शांत। सो पहली चीज है कि कर्मकांड बंद करो, पर हर चीज का आदर करो। कर्मकांड बंद करो तो ये नहीं मतलब सबको लात मारते फिरो। ये संतुलन जो है यही ईसा मसीह ने सिखा। ये संतुलन आए बगैर आपका आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। सबका सम्मान, सबका आदर, और बेकार के कर्मकांड जिसमें गलत लोग पनप रहे हैं। आजकल के बहुत से जो झूठे साधु बाबा हैं वो कर्मकांड के ही वजह से ऐसे, वो कहेंगे कि आप इतने रुपए दो, ये करो, वो करो, यज्ञ करो, 108 मर्तबा रोज ये नाम लो, वो नाम लो, मंत्र देता हूँ, फलाना करता हूँ, ये सब कर्मकांडी। और कर्मकांड आप लोगों को सिखाते हैं जिसके पूरी तरह से विरोध में ईसा मसीह। क्योंकि वो जानते थे कर्मकांड करने से आदमी अहंकारी हो जाए, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने कर्मकांड को एकदम मना किया था। इसी तरह से परमात्मा के नाम पर कोई भी आदमी पैसा कमाए इसके वो विरोध में, उसके उल्टा शुरू हो गया कि पैसा कमाओ और खाओ। कमाना तो नहीं छूटा, पर पैसा कमा लो और खा जाओ खुद, जिससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज सहयोग के कार्य में हमको याद रखना चाहिए कि हमने सहयोग के कार्य में क्या पैसे दे, कितना पैसा दे। ईसा मसीह के पास तो 12 मच्छी मार थे, वो तक फैल गए सारे दुनिया में मेहनत कर। आज आप लोग मेरे इतने सारे शिष्य, और आप लोग चाहें तो कितने ही लोगों को पार करा सकते, कितने ही लोगों को सहयोग मिला सकते।
पर लोग आधे अधूरे नहीं रहना चाहिए, गहरे उतरना चाहिए। जब तक गहरे नहीं बैठेंगे तब तक वो समझ नहीं पाए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उनको कितना प्यार देते हैं और वो कितना प्यार दूसरों को देते हैं। कोई भी आदमी अगर सहयोग में लीडर होता है तो उसको पहले याद रखना चाहिए कि ईसा मसीह ने जो दीन दी है कि आप सबसे प्यार करो। वो मैं कर रहा हूँ क्या? मैं सब पे रोप दाप झाड़ता हूँ, मैं सबको ठिकाने लगाता हूँ, सबके ऊपर आंखें निकालता हूँ। ये अहंकार बहुत सहयोग के विरोध में ही नहीं है पर उसका नाश करने वाला है। जिस आदमी में भी अहंकार हो वो उसको कम करे और उसकी जगह प्यार से भरे तो जीवन जो है सुखमय हो जाए, जीवन सुंदर हो जाए। अगर आपको प्यार करना आता नहीं तो थोड़े दिन आप सहयोग से बाहर रहें। पहले अपने हृदय के दरवाजे खोलें, उसी से, उसी की शक्ति से सहयोग फैलेगा। बात यह है जो लोग सहयोग फैलाते हैं उनमें प्यार की शक्ति कम, गुस्से की शक्ति ज्यादा, कभी नहीं फैलेगा। प्यार से बढ़ेगा और गुस्से से घटेगा और नष्ट हो जाएगा। जो ईसा मसीह की सीख है वो बहुत जरूरी है कि हम लोग समझ लें। सॉरी आई हैव टू टॉक इन हिंदी लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर इंडियंस, सम ऑफ देम आर मराठीज एंड अदर आर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। आई वॉज टेलिंग देम अबाउट क्राइस्ट, वॉट वॉज हिज पावर। हिज पावर वॉज ऑफ लव and not of anger, because he is the one who has crossed the most difficult center of agya. Those people who have ego never realize they have ego. With their ego they do all kinds of nonsensical things. Without asking me, they have done something in Delhi. Without asking me, they have done something in Russia. And it's so destructive to Sahajoga that they don't realize what they have done is a crime which is punishable by all divine laws. If you want to do anything, you must tell me beforehand. You must consult me, you must talk to me, because I know what is happening. You don't know. If somebody wants to cheat you, then how will you know? If you were so sensitive, you would find out. You would have asked me, Mother, what should we do? At least ask me. This is the main thing missing among Sahajogis now, that we have a kind of a very subtle ego. If you make somebody a leader, it's very dangerous sometimes if the leader develops ego because of his wife. It's a very difficult thing. They can destroy Sahajoga completely. Anything is possible. So before you do anything like that, you have to consult. I am still living and you can ask, you can write to me, you can telephone to me. At least I am there to tell you. But then you have to develop your balance and your love. That is only through this Parma Chaitanya. With this all-pervading power of divine love, you can develop that discretion, you can develop that special powers. Even if somebody telephones to me, immediately I know what's wrong with the person. I don't say that you can become like me, but at least you have vibrations to see.
also see your own vibrations. How are you moving? Put a paper on your hand and you'll see it will start shaking before my photograph. With this ego, you cannot go further. Why did you come to Sahaja Yoga? You came here not to become some sort of a leader or some sort of a king, but you came here to become a great guru. As you asked me, Guru Pada Dijiye. For that you have to have in Sahaja Yoga a complete humility, natural humility, natural balance. This is what Christ has taught us. At that time, I don't think people had that much ego. Ego is a modern present to you. People get ego out of anything. For example, I met one lady once and found her ego very bad. I said, what's the matter with her? So I asked my daughters, what does she do? They said, Mummy, she knows how to make dolls. For that she had you. What is so great than to be a good Sahaja Yoga? You may be the king, you may be anything. Now you see the prime ministers and all of them going to jail. What are they compared to you? They have no balance. They have no sense. What makes you a separate individuals, higher people, because you have no ego. Now people try to remove their ego. They're too tired. So they will go on beating themselves with shoes. All kinds of ritualistic things they do to remove their ego. But all this you do with your mind. Whatever you do with your mind will give you ego only. They become ascetic. They are the greatest egoist. I must say Hitler was the greatest ascetic. With his asceticism he became Hitler. If you want to become Hitler, you become ascetic. In Sahaja Yoga you are not allowed at all this asceticism. You have to be loving, affectionate, kind and disciplined. I must say this because when you are loving, you go out of bounds sometimes because you have no discipline of Sahaja Yoga. Loving doesn't mean that you become like a Romeo Juliet, doesn't mean that. You must have your balance through your discipline. If you have no discipline, you can never be a good Sahaja Yoga. From the life of Christ, we have to learn these things, that unless and until we have these things, we cannot become good Sahaja Yogis. Firstly, ritualistic nature. Secondly, anger. Thirdly, miserliness. Like, if you go to England, it's written there, save pounds by taking a taxi. This is what it is, miserliness. Where can we save money? Mother, can you give concession? It's not some sort of a business I'm doing here. If you make it half price, so many will come. I'm not
using your money. I am using it for your buildings. All this, I have got it. Of course, my money also, and your money. So many things I have done. The whole of Vashi, the whole of ashram in Delhi, two ashrams, then the whole of school, and also land in Pune and other places. Now in Pune they want me to pay the land, to pay for everything, and Pune people are the known Maharashtrians to be great miserly, kanjush people. Even for their own ashram, they would like me to pay for everything. And they nicely go and sing bhajans nicely. See, they are good musicians, that's what they are. But very, very miserly people. Miserly people can never love. They love money. Egoistical people can never love because they love power to control others. They think they are doing it for Sahaja, but not. Unless until you do something for yourself and your ego, no use working for Sahaja. Look at Christ. He took birth in a very humble abode. But he was the king. And he lived with the poor. And tried to save them. He saved the lepers, he saved so many people. There were 21 people were cured by him. Now Sahaja, I don't know how many thousands have been cured. But what is important is, if you are curing, you know that you are not curing. It is the divine power that is curing. You are not doing anything. It's best to be like that. I feel the same way, I am doing nothing and I am nishkriya, doing nothing. But I am not lazy. You should be active, but all your activity should come from the divine power of love. First of all, you must extend your hands for love. You extend your heart, extend your money, house, everything for love. Now if your wife doesn't allow others to come in the house, throw her out of the house, I don't mind. Teach her how to be kind and generous, the other way round for the husband. It's very important. You have to be generous, you have to be kind, you have to be loving and sweet to others. Christ only once went into temple, which he had a right to do that, when he saw people selling things in the temple. Same thing we have here. And if you don't go and buy anything from them, they'll be lost. But you only go and buy things from them because you have a habit of shopping. Anywhere the people go, they must shop. Is a habit. Shopping they must do. They will not see the greenery, the beauty of nature, nothing. When I went to so many countries, you see, I had to, with my husband, I had to go and see beautiful places like museums. I never used to shop. But when I have so many children, then I have to shop. So I would go for shops. But not the way that every place is for shopping. What is there to shop here when you have come here for your spiritual growth? In Mecca, do they have any shops? This is the holier than holy. Why should you go to these shops? I can't understand. I have told them not to have shops, but you people are the ones who encourage. Who encouraged them to make money out of us? Nothing essential to buy there. Now you have come to the holy occasion. Here you have come for your worship.
In our Mahalakshmi temple, there are people who are selling garlands and things for the ladies' hair. But they say it is for the goddess. And they buy there, all the people who are coming stupidly, and give it to the Brahmin in the temple. And the Brahmin sells it back at a lower price. And his garlands are, I don't know how many times, sold and bought and sold and bought because of the stupidity of the people who go there. If they have to take something, they should buy from outside, not at the place where you have come. As it is, you went to Delhi, you could have bought there. Or you came to Bombay, you could have bought there, but not in this place. We cannot make this place Bombay or Delhi. Otherwise, why should we come here? That's why Christ took a hunter and beat them, those who were selling things near the church. Now they don't have. I've seen near the church they don't have, they have outside. But they sell other things, like Catholic Church sells a wine called Benedictine. Imagine. That's another story. Christ went for a wedding and they had no wine. Now in the Hebrew language, wine means the juice of the grapes. It doesn't mean fermented. So he converted water into that wine. You cannot convert water instantaneously into wine. Wine has to rot, has to smell. The more it smells, the best it is. But they think that Christ said, you must drink, they say. He never said that. He just converted it into wine, meaning the taste of the juice of grapes. Once I went to some television and there was a very nice man in Italy. He said, Mother, you first give me realization. So I said, get some water, put my hand into it. Now you drink it. He said, it is tasting like wine. I said, this is what Christ did. He got his realization. Instantaneously you cannot make wine. But if somebody dies, they will drink. If somebody is born, they will drink. At any cost, without drinking, they are not normal. But the people who got realization have suddenly changed, they don't want to drink, they have stopped drinking, their attention has become nice, the whole thing is changed. This is the transformation that has worked, of which Christ has talked, Muhammad Sahib has talked, everybody has talked about this particular time when people will get transformed. But even after transformation, you do not want to become what you have to be, for which you have come here, will be left behind. There's a big transformation is taking place. In that transformation also your rising is taking place. There's a big evolution going on. And those who will not evolve properly will be left behind. As it is said that this is the last judgment and you will be judged, you will be left behind. You cannot adhere to people who are rising higher. With your weight you will fall down. So for you to understand Christ is all these qualities you must have. If you are hot-tempered, all right, go and beat yourself with shoes.
But if you are not, then you need not. You must know what you are, first of all introspect. Accordingly, you should work it out, but this ritualism is not allowed in Sahaja Yoga all the time. I would love all my children to be extremely loving and collective, not to denounce anybody for no rhyme and reason. And if you have to denounce, you should tell me. I know what is what. Without asking me, you should not measure up somebody and say, I have measured somebody. With what? What is your yardstick? You yourself, you are caught up in the web of ego. You cannot condemn anyone without telling. You have to tell. Don't worry that this will disturb me or anything, but you should ask. I know about everyone. Maybe I have not met that person, but I can feel the vibration. You can write to me. Many people just telephone. That's not the way. You must write to me, because I read each and every letter. But all nonsensical letters you shouldn't write also, to waste my time. Like my father's, mother's, this thing is sick or is dead and her booth is moving about. All sorts of funny letters come to me. What can I do for such people? That's not important. Or, I need money, I have no money, I am depending on you for money, so please send me money. You can ask on my photograph. If you are a good Sahaja Yogi, you don't have to worry about money also. Or, I have no child, mother, what to do, I want to have child. Those who have child, ask them what do they have to say. So many have got children after coming to Sahaja Yoga, but you must deserve it. So many miracles have taken place, so many people have been cured, no doubt. But that doesn't mean you have done it. Don't get into the trap of ego. That's most dangerous. If you destroy Sahaja Yoga, you are destroying yourself. So, today you all have to promise in your heart, put your hands to your heart and to say, Mother, will love, will spread your divine love, encompass the whole world. Give realization to all the people. Will not shout, will not be angry, will not do the all kinds of rituals, but just surrender. Surrender our ego to you. Surrender it. Surrender your ego. All your problems can be solved, because as long as there is ego, this divine power doesn't take over. You may do anything. You are not connected, your connection is missing. Christ is missing, He is no more there. To establish Him, first of all, you must show how you love. But that doesn't mean that you love your wife, love your children and love your house. You have to love everyone. Try to make everyone happy. That's why I like music. Because through music you can spread vibrations. Very good media of spreading vibrations, of loving vibrations. But those who are musicians have to be loving people, not hot-tempered, not showing off, not thinking too much of themselves. All this will work very well if you understand
that this divine power is so powerful. No doubt it is love. No doubt it is truth. No doubt. If you get out of it, you will be caught up by anything and you could be finished. It is a very, very powerful, effective and absolutely conclusive power you have within yourself. And thanks to Christ that crucified Himself, sacrificed His body for our sake, that our agya is opened, otherwise I could not have done this surgery. But in this area, we have Buddha, Christ and Mahavira. And they had to do tapasya, tapaha. They did it. You don't have to do now, they have done for you. Now see, I saw the musicians yesterday. In 2-3 months they have learned so much. Otherwise, formerly all the musicians I knew for Indian music had to really start. For months together they had to practice, years together they had to bow to their guru. That's all over now. Because of this Param Chaitanya. And your power to be one with the Divine. This Divine power can transform you completely to such an extent that anything that you want to do, you can do it in 2-3 months. In Pune, when they were singing once, foreigners, as we call them, with respect. In India, foreigners means respect, not like other countries. So they were singing, there were some very great musicians had come. And they told me, Mother, we put down our head to them. Because how could these people, who don't know a word about Indian music, have learnt it so well, and the pronunciation of this Marathi language is very difficult, but they are so good at it. It's very surprising. Now all this has happened in your presence. In your presence. It's nice you have balloons here to celebrate Christ's birthday, and all these balloons in your head of ego should be burst, should be finished. But I'll be happy if you could learn Hindi language. Well, I know English may not be so good, but best is to learn Hindi, possible. Because there are already 14 languages in India and so many languages in another country. Every country has a different type of English language. If you go to America, I don't understand their English for at least 2-3 days because they go on taking their tongue and the lips on one side, then on another side. English of the French is another point. So best is to learn Hindi, and that too a good Hindi. Not Sanskritized, but as they say, rozmarra ke, day to day Hindi, because I feel better if you all understand what I am saying. It's not difficult because you are all sahajyogis, you can learn Hindi in no time. I'm not saying learn Sanskrit, but Hindi is very easy. It's not my mother tongue. I've never studied Hindi language, never. But, you see, it's a very easy language to learn. But, as my father told me, never teach Hindi language to an Englishman. I said, why this advice? He said, there was an Englishman who was after me that I should teach him Hindi. So he said, I have to tell my servant to open the door or to close the door. So for open the door, he said, you say, there was a cold day, means darwaza khol de.
And for closing the door, you have to say, there was a banker. माने दरवाजा बंद कर. But now it's different. They'll pick up Hindi very quickly. Very quickly, I can see that. If they can learn this horrible Indian classical music, which is so difficult, so easily, what will happen? They can learn Hindi in no time and make me happier with that. Not because Hindi is my language, it's not, it's Marathi. Marathi very difficult, I don't think you can learn Marathi. It's very precise. I think that is one of the best languages to put down your ego. That's why Maharashtrians are normally not egoistical, because in their language there is built-in process. For example, somebody is boasting that I've done this, I've done that. So in Marathi they will say, don't climb on a bush or what we call the tree of chana, which is so big as that. Then the person is finished. Like that there are many words by which you can put down the ego of the man on his face. So Marathi language has so many advantages. But I would not ask you to learn Marathi language, it's not so easy. But Hindi you should, it is very easy, very easy. But you must know one thing, that in Hindi language there is adab. Adab means modesty and respect, but more than respect, a style of saying things. Not Urdu, but Hindi of day-to-day talking. There is respect and a way to address others, to address others. All this will give you a kind of a more flexible vehicle to express your love. Because in Hindi language we can never translate I hate you, we never say like that. I hate you. मैं आपसे घृणा करता हूँ, ऐसे कोई कहेगा क्या? They cannot say, to hate somebody is sinful. So they can never say, I hate you. Chastity is more in Marathi language, but it's little hard, because it has got such, as I told you, idioms which can correct you just there. All this is just to request you now, if you can learn this music, which is very difficult, you can always learn a simple Hindi language, which is very, very easy and very, very easy to talk. There are so many things I would like you to know about Christ, but this is short time in which I cannot tell you. The way he had his own priorities. Though in the Bible he's not described fully, I should say, and whatever it might have been, they have reduced it, maybe. And the way they practice Christianity also is shocking. So one has to learn Christianity through the heart, no other way out. They should learn through the heart of your mother. May God bless you.